What's up everyone, this is your boy Shahid Salim. Welcome to my channel. So guys, मैंने कुछ चीज़ खरीदी थी लेकिन चार दिन हुआ आके वो मैंने अब तक उसकी ओपनिंग नहीं की थी लेकिन आज खोला हूँ मैंने. खोल के काफ़ी टाइम हो गया लेकिन घर पे ऐसे ही पड़ा था. ये रहा वो चीज़ जो मैंने खरीदी थी, बोया का माइक. उसका अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है लेकिन इसको अब तक मैंने यूज़ किया नहीं. जैसे पैकिंग थी वैसी ही पैकिंग है. सो चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है. तारीफ़ तो काफ़ी सुनी है इसकी इसलिए मैंने ऑर्डर किया है. मेरे आगे के ब्लॉग्स में इसको यूज़ करते हुए दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परंपरा एक यूट्यूबर की. लेट्स बिगिन. सो गाइस, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे. जो ऐसे लग रही है कि वाटरप्रूफ, जो पहले जैकेट वगैरह आती थी पहले ज़माने, मतलब कुछ साल पहले हम छोटे तब जब पहनते थे, वैसी जैकेट लग रही है मेरे को. पहले कुछ ये मिला, इसको साइड में रखते हैं. पहला मेन प्रोडक्ट को निकालते हैं बाहर. ओह हो, क्या बात है. बेसिकली इसकी वायर लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैंने भी पढ़ा था वहाँ पे 20 फीट की कुछ वायर आने वाली है, लेकिन ये वायर तो काफ़ी कुछ लंबी है. फिर भी बेसिकली ये है माइक और ये इसका कनेक्टर होगा. सॉरी, कनेक्टर यहाँ पे है. ये क्या चीज़ है देखते हैं, इसमें बात करते हैं. लेकिन इसकी आप देख सकते हो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे. एज अ हार्डवेयर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे भी क्लिप है जो हम लोग होल्ड कर सकते हैं. और इसको अभी रखते हैं साइड में, देखते हैं और अंदर क्या है. और कुछ है अंदर देखते हैं. ये कुछ केमिकल है जो ख़राब ना हो स्मेल की वजह से डाला जाता है. इस पॉच को साइड में रखते हैं. अब लेते हैं इस चीज़ को, इस पैकेट में देखते हैं क्या है. इसको भी साइड में रखते हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें मिली. ये शायद, हाँ, ये जैक है जो हम लोग इसे एम्पलीफायर के लिए यूज़ कर सकते हैं. एम्पलीफायर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीफायर के लिए ये यूज़ होता है. ये जो है 3.5 mm का जैक है जो मोबाइल पे भी लग सकता है और कैमरे पे भी. ये इसके लिए ये एक्सटर्नल ये दिया हुआ है, लाइक इसके बाद ये ऐसा काम कर सकता है. ये इसके लिए हुआ है. और ये है, ये तो आपको देख के पता चल रहा होगा, ये माइक पे ऐसा चढ़ता है. दिखाता हूँ आपको, ये है माइक. इस पर इस तरह से इसको डालते हैं. काफ़ी मुलायम है, इसको काफ़ी संभाल के डालना पड़ेगा मे बी. ये रहा आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा माइक. ये माइक तैयार हो चुका है, लेकिन इस माइक को भी टाई करने के लिए जो क्लिप, सो कॉलर क्लिप बोलते हैं, आई थिंक कॉलर क्लिप है. इसको हम यहाँ पे लगाते हैं माइक को. ये हो गया तैयार. लेकिन अब मेन चीज़ जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, इसके बिना कुछ होगा नहीं. ये रहा वो, ये है वो बैटरी. ये बैटरी है जो इसे हम बेसिकली इसके अंदर डालते हैं. ये पार्ट जो आपने बताया था मैंने तुम्हें, ये वाले पार्ट, इसको ये यहाँ से खोला जाता है लाइक दिस. इसको खोलते हैं. ये है वो पार्ट. ये है नेगेटिव और पॉजिटिव, इस पर देख के डालना पड़ता है एक्चुअली. ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट दिख रहा है ये नेगेटिव होता है और दूसरे साइड वाला पॉजिटिव होता है. इसको डालने में काफ़ी मेहनत लग रही है. ये हो गया भाई, हमने डाल दिया है. सो इसे वापस बंद कर दें. ये हो गया बंद. अब आते हैं इस पर क्या और कुछ फंक्शन देगा. ये चीज़ कुछ अच्छी है इसमें. इसमें हम लोग कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन, अगर हम स्मार्टफोन पे शूट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसे स्मार्टफोन मोड पे डालें और बीच में रखते हैं तो ये ऑफ हो जाता है. ऊपर की तरफ करते हैं तो कैमरा मोड हो जाता है. सो गाइस, आज के लिए इतना है. आज एक्चुअली ये कुछ हिस्ट्री नया क्रिएट था लाइफ में. कुछ पहली बार ऐसा क्या है, हर चीज़ अनबॉक्सिंग अंदर होती है. सो हमने देख सकते हो आप हमने कहाँ पे अनबॉक्सिंग की है, एरिया की जगह से जंगल जंगल में आके हम इस माइक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज. काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी टेस्टिंग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी. सो वही, सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.